हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं सरसों का, मूली का, पत्ते का और पालक का साग बनाने के लिए। आज हम लोग गए थे सिद्धि विनायक सुबह में, ये गाड़ी लेके गए, बोले चलो मंदिर चलते हैं, तो मंदिर के लिए तो गए। फिर ये बोले चलो हम लोग स्टेशन चलते हैं, उधर से फूल साग सब ले लेंगे। उधर जाके बहुत सारी सब्जियां लिए हम लोग, तो इनको पाला तो दिखा, लहसुन का तड़का दे रहे हैं, लहसुन का तड़का दे दिए। उसके बाद हम मेथी काट रहे हैं, तो ज़्यादा सा मेथी का तड़का देंगे। साग थोड़ा चटपटा रहता है, तीखा अच्छा रहता है। उधर घोड़ा भी काट के डाल दिए हैं, नेनुआ लोग तो घोड़ा बोलते हैं, आप लोग जो बोलते हैं वो लिख के बताइए कॉमेंट्स में। देखिए मिर्ची काट के डाल रहे हैं, लहसुन डाल दिए छील के, हींग डाल देंगे, हमारा तड़का है साग के लिए। ये हमने सरसों का साग धो ली थी अच्छे से, तो धो के रख ली थी। तो मेरा सरसों का साग है, मेरा सरसों हो गया। अब डाल रहे हैं पालक धोने के लिए इसमें। साग मेरी मम्मी काटती, बहुत छोटा बहुत बारीक से काटती थी, बहुत अच्छा काटती थी मम्मी। मेरी स्वेते से काटती थी, बहुत अच्छा काटती थी। हम लोग साग ला के मम्मी को ही देती थी, मम्मी को साग काटो, खाना ना मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी, पर बनाना नहीं चाहती थी। जब हम लोग बड़े हो गए तो मम्मी ने अपना खुद ही छोड़ देती कि तुम लोग बड़े हो गए हो ना बनाइए। देखिए मेरा मिर्ची लहसुन लाल हो गया था, साग डाल दिए, ये सरसों का, और मेरा पालक भी बुला गया अच्छे से। देखिए इतने बनेंगे तो अच्छे से निकल जाते हैं, कुछ बेहतर नहीं है। पहले खड़ा साग धो लिए काट के, उसके बाद काट के धो रहे हैं। मेरा एक साथ तो चला दे नीचे मुझे, आपको तो पड़ गया। अरे इसमें डालने जा रहे हैं हम पालक। देखिए मेरा पालक है, ये पालक डाल दिए इसमें। हो गया, अब ये मूली है, ये मूली का पत्ता, मूली ले तो उसमें पत्ता भी अच्छा था, मैं सोचे पत्ता क्यों बहाए, इसको भी डाल दी। इसको भी निकाल दिए। देखिए मूली का पत्ता भी आ गया इसमें।
हो गया, ये मेरा साग छौंक दे। और इसमें हींग हमने पहले नहीं डाली क्योंकि हींग जल जाता है तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है और वो फायदा उतना नहीं करता है जितना ऐसे करेगा। हमको हींग ऐसा डालना है, देखिए हींग तो डाल दी। अब उसके बाद में इसमें नमक भी डाल देंगे थोड़ा सा कि जो अपना पानी छोड़ दे अच्छे से। हमने साग बड़ा बड़ा काटी हूँ क्योंकि मुझे काटना उतना नहीं आता है, मम्मी काटती थी तो बहुत बारीक काटती थी, उसका काटना बनाना खाना बहुत अच्छा लगता था। मम्मी ने मेरी साग बहुत अच्छा बनाती थी। थोड़ा नमक डाल रहे हैं, थोड़ा क्या पूरा डाल दिए हैं, इतना नमक बराबर आ गया। और दाल में आज हमने बनाएंगे मसूर की दाल, खड़ी मसूर होती है ना, आप लोग क्या बोलते हो आप बताना। हम लोग तो मसूर बोलते हैं जो लाल वाला होते हैं, मसूर की दाल एक दरा हुआ होता है दाल होता है, एक खड़ा मसूर होता है, तो आज हमने खड़ी मसूर की दाल बनाएंगे और उसको हम लोग बोलते हैं मसूराटा। अब यहाँ क्या बोलते हैं ये नहीं मालूम है, पर हम लोग यूट्यूब में यही बोलते हैं। सुराटा बनाने जा रहे हैं तो आज मेरा वही है। और इसमें हमने जो मूली ली थी, मूली भी धो के रख रही हूँ, पत्ते निकाल ली, मूली भी हो गया मेरा ही हाथ में। ये हमारा मूली हो गया, मूली में बहुत सारी सोर होती है ऐसा, इसको निकालेंगे अच्छे से, धो दिए ये हो गया, इसे निकाल के रख देंगे। अच्छा होगा, पत्ते वाली मूली थी अच्छा था, डंठी है ये पतली पतली जो रहती है, देखिए हमारी मूली अच्छी हो गई। किचन तो गंदा हो गया, किचन को भी साफ करना है, शुरुआत तो कर दी है किचन का। मंदिर से आए, नाश्ता तो इधर ही हम लोग कर लिए थे, बड़ी मजबूत है ये। ये मूली हो गई, आप लोग वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हर हर शंभु महादेव आप लोग पे सदा कृपा बनाए, धन्यवाद।